आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को ये बताना चाहूंगी कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। इसके कई संकेत पिछले कुछ दिनों से दिख रहे हैं। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि दिल्ली में किसी भी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही है। जो आईएएस अफसर हैं, उनकी पोस्टिंग एमएचए द्वारा कंट्रोल्ड होती है, लेकिन पिछले कई महीनों से किसी भी सीनियर आईएएस अफसर की पोस्टिंग दिल्ली में नहीं हुई। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर कई विभाग खाली हैं, वहां पर अफसर पोस्टेड नहीं हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर किसी भी अफसर को नहीं लगाया जा रहा। तीसरी बात, एलजी साहब पिछले एक हफ्ते से एमएचए को बार 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 बिना किसी कारण के दिल्ली सरकार को लेके चिट्ठियां लिख रहे हैं। कहते हैं कि मंत्रीगण मीटिंग में नहीं आते, कहते हैं कि मुझे चर्चा करनी है, वो मैंने मीटिंग पे बुला रहा हूं, ये मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। ये वही एलजी साहब हैं जो कोर्ट में खड़े होके कहते हैं कि जी ये ट्रांसफर सब्जेक्ट है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जब आप कोर्ट में कहते हैं कि आपका पानी के मुद्दे से, पॉल्यूशन के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, जब वो ट्रांसफर सब्जेक्ट है, तो आप एमएचए में उसके बारे में चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं? चौथा, दिल्ली सरकार के अफसरों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का बहाना बनाकर किसी भी मीटिंग में आना बंद कर दिया है, चाहे वो कितने ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हो। आखिरी चीज, हमने देखा कि किस तरह से एक 200 साल पुराने केस को उठाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया। तो ये सारे लक्षण दिखा रहे हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, दिल्ली की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है, अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है, और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जी को झूठे आरोपों के साथ, फर्जी आरोपों के साथ, बिना किसी प्रमाण के ईडी ने गिरफ्तार किया है, केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये जानते हैं कि वो कितना भी जोर, उन्होंने ये देख लिया है कि चाहे 2013 का चुनाव हो, चाहे 2015 का चुनाव हो, चाहे 2020 का चुनाव हो, या 2022 में हुआ एमसीडी का चुनाव हो, कि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं, दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं, और दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी की हर संभव कोशिश के बाद आम आदमी पार्टी को ही वोट देते हैं, अरविंद केजरीवाल को ही वोट देते हैं। तो अब बीजेपी को पता चल गया है, अब इनको पता चल गया है कि ये दिल्ली में चुनाव जीतने वाले नहीं हैं, इसलिए ये लोग साजिश कर रहे हैं कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार, दिल्ली की चुनी हुई लोकप्रिय सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराया जाए। दूसरा कारण, अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ जो ये षड्यंत्र हो रहा है, वो है अरविंद केजरीवाल की सरकार के काम।
चाहे वो फ्री बिजली देना हो, 24 घंटे बिजली देना हो, फ्री पानी देना हो, बच्चों को अच्छे सरकारी स्कूल देना हो, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज देना हो, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देना हो, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा देना हो, इन लोगों को पता है कि ये कितनी भी कोशिश कर लें, दिल्ली छोड़िए किसी भी अपने राज्य में ऐसी पॉलिसीज को लागू नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा इनको खतरा हो रहा है अरविंद केजरीवाल जी के वादे से, जो इन्होंने दिल्ली की महिलाओं को, अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया है कि हर महीने 1,000 रुपये दिल्ली की हर महिला को मिलने वाले हैं। और इन पॉलिसीज को रोकने के लिए, दिल्ली की महिलाओं को 1,000 रुपये मिलने से रोकने के लिए आज ये राजनीतिक साजिश रची जा रही है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दे दूं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना गैर कानूनी होगा, गैर संवैधानिक होगा और दिल्ली की जनता के जनादेश के खिलाफ होगा। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को एक स्पष्ट जनादेश दिया है। इस जनादेश के तहत कुछ ही दिन पहले 17 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में फ्लोर टेस्ट करके, कॉन्फिडेंस मोशन लाके अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अपनी मेजॉरिटी को साबित किया है। ये बिल्कुल साफ है कि भारत के संविधान के तहत किसी सरकार की मेजॉरिटी होते हुए, किसी सरकार के पास जब उनके हाउस का कॉन्फिडेंस होता है तो राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। 2016 में भी उत्तराखंड में जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट ऑर्डर किया था और सरकार के पास फ्लोर टेस्ट में कॉन्फिडेंस मोशन सक्सेस होने के बाद राष्ट्रपति शासन के आदेश को खारिज कर दिया गया था। अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली विधानसभा में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा का ओवरवेलमिंग कॉन्फिडेंस इंजॉय करते हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बता दूं कि अगर आप ये राजनीतिक साजिश करने की कोशिश करते हैं तो वो गैर कानूनी होगा, गैर संवैधानिक होगा और दिल्ली की जनता के स्पष्ट जनादेश के खिलाफ होगा। दूसरा, मैं दिल्ली के लोगों को भी बताना चाहती हूं कि आपको इन राजनीतिक साजिशों से डरने की जरूरत नहीं है। जब तक अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के बेटे के तौर पे खड़े हैं, चाहे वो जेल के अंदर हो चाहे वो जेल के बाहर हो, वो दिल्ली वालों के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे हमें इस लड़ाई को सड़क पर लड़ना पड़े, चाहे हमें इस लड़ाई को कोर्ट में लड़ना पड़े, चाहे हमें इस लड़ाई को संसद में लड़ना पड़े, लेकिन दिल्ली वालों को उनका हक मिल के रहेगा। दिल्ली की महिलाओं को जो अरविंद केजरीवाल जी ने 1,000 रुपये महीने देने का वादा किया है, ये अरविंद केजरीवाल की गारंटी है, दिल्ली की महिलाओं को 1,000 रुपये महीने ज़रूर मिलेंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी कितने भी षड्यंत्र कर ले, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने की, राष्ट्रपति शासन लाने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली की महिलाओं को उनका हक, दिल्ली की महिलाओं को उनका 1,000 रुपया महीना दिलवा के रहेंगे। थैंक यू। जो बातें आप कह रहे हैं ये पहले से ही आप लोग आरोप लगाते रहे कि सरकार के काम में बाधा उत्पन्न की जाती है, ऐसे करके फिर इसमें ऐसा क्या है कि आपको आशंका है कि राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा? देखिए, ये सारी जब चीजें एक के बाद एक हो रही हैं कि कभी कोई एक चीज होती है तो इंसान सोचता है कि हो सकता है कि बाय चांस हो कि अफसर दिल्ली में पोस्ट नहीं हो रहे हैं। उसके बाद
दूसरी चीज हमें दिखी कि बहुत सारे प्रमुख विभाग खाली होने के बाद अफसरों के सीनियर अफसर तीन तीन चार चार बड़े विभाग होल्ड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर पिछले कई महीनों से कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रही। फिर पिछले हफ्ते एलजी साहब का बेबुनियाद आरोप लगाते हुए एमएचए को बार बार चिट्ठियां लिखना, मुख्यमंत्री के निजी सचिव को हटाए जाना, ये सब इस बात के लक्षण हैं कि दिल्ली की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी के नाम पर ये लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि दिल्ली में संवैधानिक संकट हो गया है। ये क्यों दिखाना चाह रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि ये कितनी भी कोशिश कर लें, ये कितने भी प्रयास कर लें, ये कितने भी नेताओं को उतार दें, ये कितने भी वादे कर दें, लेकिन दिल्ली के लोग अपना वोट अपने बेटे अपने भाई अरविंद केजरीवाल को ही देने वाले हैं। दिल्ली के लोग बटन झाड़ू पर ही दबाने वाले। मैम, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट रूल दिल्ली में इम्पोज नहीं हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बात जोड़ी जा रही है कि मुख्यमंत्री अपना काम जेल से कर सकते हैं, तो आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं तिहाड़ जेल को मिनी सेक्रेटेरिएट या टेम्पररी सेक्रेटेरिएट के तौर पर अनाउंस कराने के लिए? देखिए, कोर्ट का भी जो रास्ता होगा, जैसे जरूरत पड़ेगी हम उस रास्ते जरूर जाएंगे, लेकिन जैसा आपने कहा यह बिल्कुल साफ है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। 17 फरवरी को फ्लोर टेस्ट हुआ है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पे एक ओवरवेलमिंग कॉन्फिडेंस अपने हाउस का एंजॉय करते हैं और ये सारा षड्यंत्र दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोकने के लिए है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपये महीने देने का वादा किया है, उस वादे को रोकने के लिए है। दिल्ली में फ्री बिजली रोकने के लिए है, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा रोकने के लिए है, फ्री तीर्थ यात्रा रोकने के लिए है। ये पूरा राजनीतिक षड्यंत्र अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने की एक साजिश है। प्रधानमंत्री ने एक बार इंटरव्यू दिया, इसमें कहा है कि बता तो देते हैं।